नमः शिवाय। आज अहोई अष्टमी और सोमवार के दिन आइए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की यह कथा। भगवान भोलेनाथ को इस समस्त सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उनका आदि है ना ही अंत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इस विवाह के लिए पार्वती जी को सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। हिंदू धर्म में सोमवार के दिन का बेहद महत्व माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी का पूजन और आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख एवं समृद्धि का वास हो जाता है। भगवान भोलेनाथ को बेहद जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भी माना जाता है। भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इसके लिए पार्वती जी ने सैकड़ों वर्षों तक कठिन तप किया था। तप के बाद एक ऐसा भी वक्त आया था जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं ये पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्तऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने को कहा। लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी न माँ है न बाप है ना कोई मित्र ही है, माता आप ही मेरी रक्षा कीजिए। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्राह इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गए। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गए। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले ही
मन मांगा दान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगनी बनी।